हाय, मैं डॉक्टर सरफराज दारम बीनमंडल विश्वविद्यालय के पार्वती विज्ञान महाविद्यालय में प्राचीन भारतीय इतिहास में व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ गेस्ट के रूप में। आज मैं आपके सामने में लेकर आया हूँ सिंधु सभ्यता। जैसा कि आप देख रहे हैं बड़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता की जो टाउन प्लानिंग है यानी कि नगर निर्माण की योजनाएं जो है उनको आपके सिलेबस में डिस्कस किया गया है इसमें। तो आज मैं यही टॉपिक आपको लेके आ रहा हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिंधु सभ्यता की टाउन प्लानिंग यानी कि नगर निर्माण योजनाओं को आपके सामने रख रहा हूँ। और बिल्कुल मैं आप एक चीज समझ लें बिल्कुल कि जब भी आप किसी क्लास को लेते हैं, जब भी किसी टॉपिक को आप पढ़ते हैं, तो अगर हम डायरेक्ट आपको लेकर के सिंधु सभ्यता की टाउन प्लानिंग पर लेकर के आपको आते हैं तो फिर बहुत बेहतर तरीका से ये चीज आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं थोड़ी सी सिंधु सभ्यता के शुरुआत में जा रहा हूं मैं कि सिंधु सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई, कैसे सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहा जाता है और तत्कालीन और अन्य सभ्यताएं हैं उन सभ्यताओं से इसका क्या संपर्क रहा है। तो सबसे पहले बात शुरुआत होती है सिंधु सभ्यता के बारे में 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन नामक एक व्यक्ति होते हैं जो व्यक्ति आज के वर्तमान पाकिस्तान के जो हड़प्पा जगह है पंजाब एरिया में, सिंध एरिया में या और सब एरिया में, ठीक है, तो हड़प्पा जगह जो है वर्तमान पाकिस्तान में जो हड़प्पा जगह है वहां का वो क्या करते हैं, चार्ल्स मेसन दौरा करते हैं 1826 ईस्वी की ये बात होती है। और उन्हें बेसिकली एक रेलवे ट्रैक बिछाना था उसमें, तो रेलवे ट्रैक बिछाने के चक्कर में कुछ विशेष प्रकार के उसे ईंट मिलते हैं उसे, ठीक है, खैर बात आती है और बात खत्म हो जाती है, ठीक है, ज्यादा कुछ इसके बारे में जानकारी लोगों को इस सभ्यता के बारे में नहीं हो पाती है। फिर दोहराता है 1872 ईस्वी, इस समय इंडियन आर्कियोलॉजी 1872 ईस्वी की बात हम कर रहे हैं, तो इसमें इंडियन आर्कियोलॉजी के महानिदेशक हैं जॉन कनिंघम नामक व्यक्ति, ये जॉन कनिंघम फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहलाते हैं इसे, यानी भारतीय पुरातत्व के पिता जॉन कनिंघम कहलाते हैं। और ये दौर है 1872 ईस्वी। ये जॉन कनिंघम ने क्या किया कि 1872 ईस्वी में फिर पाकिस्तान का दौरा किया, इन्होंने हड़प्पा जगह का दौरा किया, लेकिन इससे भी कुछ विशेष जानकारी नहीं प्राप्त होती है। ये इनका अनुमान था, जॉन कनिंघम का अनुमान था, इन्होंने क्या किया जब हड़प्पा जगह का दौरा किया तो वहां के विशेष टीलों की इन्होंने देखा, जो टीले थे उन टीलों के इन्होंने दौरा किया और स्थानीय लोग थे उनसे इन्होंने बात की। बात करने के क्रम में स्थानीय लोगों ने जॉन कनिंघम को जानकारी दी कि यहां कोई राज्य था जो राजा के कुकृतियों के कारण यह राज्य नष्ट हो गया। जॉन कनिंघम क्या करते हैं कि हड़प्पा के ऊपरी टीले से कुछ सामान को बटोरते हैं और ये लेकर के आ जाते हैं। जॉन कनिंघम का मत था कि वास्तविकता में ये 1000 साल पुराना जगह है और हो सकता है कि ये सिकंदर काल में हो। खैर इसके बाद बातें यहां भी खत्म हो जाती है। फिर दौर आता है 1921 ईस्वी, और ये 1921 ईस्वी में इंडियन आर्कियोलॉजी के महानिदेशक हैं जॉन मार्शल, और ये जॉन मार्शल से ही वास्तविकता में सिंधु सभ्यता के उत्खनन, सिंधु सभ्यता के बारे में विश्व को लोगों को जानकारी प्राप्त होती है। 1921 ईस्वी में जिसमें जॉन मार्शल हैं इंडियन आर्कियोलॉजी के महानिदेशक, इन्होंने क्या किया हड़प्पा, आज वर्तमान में जो हड़प्पा है जो पाकिस्तान में पड़ता है, इसका दौरा किया और यहाँ का वर्टिकल एक्सकैवेशन किया। याद रखिए एक्सकैवेशन दो प्रकार के होते हैं, एक वर्टिकल एक्सकैवेशन होता है, ठीक, और एक होता है किसी प्रकार की, अगर आप कहीं पर अगर सभ्यताओं के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना हो तो सबसे महत्वपूर्ण है वहां पर कि वर्टिकल एक्सकैवेशन करके देखे जाते हैं और वहां यह देखा जाता है कि कितने लेयर हमें मिल रहे हैं और कौन कौन से लेयर पर क्या चीज मिल रहा है। तो जॉन मार्शल के समय में डी आर साहनी नामक एक विद्वान थे, एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, इनके ही निर्देशन में हड़प्पा का दौरा, जो हड़प्पा जगह का उत्खनन होता है, ठीक है, यह हड़प्पा पाकिस्तान के साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में है। 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल ने क्या किया, डी आर साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा का उत्खनन किया, ठीक है, वर्टिकल एक्सकर्शन किया। बात आती है 1922 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में भी इंडियन आर्कियोलॉजी के महानिदेशक जॉन मार्शल है और इन्होंने क्या किया, आर डी बनर्जी नामक एक विद्वान के नेतृत्व में पाकिस्तान के सिंध एरिया में, ठीक है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया। तो 1921 ईस्वी में मार्शल ने क्या किया, हड़प्पा का उत्खनन किया, और 1922 ईस्वी में मार्शल ने क्या किया, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया। और 1924 ईस्वी फिर दौर आता है 1921 ईस्वी 1922 ईस्वी, ठीक है, ये दोनों जगह के जो भी सामान इनसे प्राप्त हुए थे, जो भी मटेरियल मिला था, जो भी इसे मॉन्यूमेंट्स मिले थे या जिस प्रकार की भी सामग्री इन्हें मिली थी इन दोनों के उत्खनन से, 1924 ईस्वी में मार्शल ने क्या किया, लंदन वीकली, एक पत्रिका थी लंदन वीकली में जो साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित होती थी, तो लंदन वीकली के जरिए इन्होंने क्या किया, इन दोनों जगह से जो भी सामग्री प्राप्त हुई उनका इन्होंने प्रकाशन किया। और जब प्रकाशन किया
तब पता चला कि 1921-1922 यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से जो भी सामग्री मिली है वो समान तरह के सामग्री थी और समान सभ्यता के लक्षण उभर रहे थे यहाँ पर। और यही एक दौर था कि 1924 ईस्वी के बाद दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट आज के वर्तमान पाकिस्तान की तरफ मुड़ते हैं, जिसमें फेयर सर्विस, घोरडे, डेल्स आदि कई विद्वान होते हैं। उन विद्वानों ने क्या किया, जब इन सभ्यताओं का दौरा किया, इन जगहों का दौरा किया, यहाँ से प्राप्त सामग्री को देखा, वो अचंभित करने वाली सामग्री थी, क्योंकि दोनों दो विभिन्न जगहों से एक सभ्यता के लक्षण उभर रहे थे। ठीक है, आर्कियोलॉजी में एक रूल है, याद रखिए कि पुरातत्व में एक रूल है कि अगर किसी भी प्रकार की सबसे पहले जो उत्खनन होते हैं, अगर किसी सभ्यता के बारे में जानकारी आपको नहीं हो या किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं हो, लेकिन अगर सबसे पहले जिस क्षेत्र का उत्खनन होता है उस क्षेत्र के उत्खनन के आधार पर ही, उस जगह के नामकरण के आधार पर ही उस सभ्यता का नामकरण कर दिया जाता है। और हड़प्पा सभ्यता के साथ यही हुआ। हड़प्पा सभ्यता चूंकि सबसे पहले, मैंने आपको बताया कि 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल ने क्या किया, हड़प्पा का उत्खनन किया। हड़प्पा वास्तविकता में एक गांव है वहां पर, और इसी हड़प्पा का क्योंकि सबसे पहले उत्खनन हुआ इसलिए हड़प्पा के नाम पर इस सभ्यता का नाम प्रारंभ में हड़प्पा रख दिया गया। तो क्लियर है कि हड़प्पा सभ्यता का नामकरण हड़प्पा कैसे पड़ा। ऐसे आप ये जान लें कि हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे साइट हैं, एक साइट नहीं है, कई साइट हैं हड़प्पा सभ्यता के, जो 1947 के बाद या 1947 से पहले कई उत्खनन होते हैं, पाकिस्तानी एरिया में भी उत्खनन होते हैं, भारतीय क्षेत्र में भी उत्खनन होते हैं। और उत्खनन जो होते हैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक चीज था कि जो भी इनकी नदी घाटी सभ्यता ये थी, तो जितनी भी साइट्स इनके मिलते हैं वो अक्सर नदियों के किनारे मिलते हैं, और ये मैक्सिमम ये इंडस वैली यानी कि सिंधु नदी जो है इनके किनारे मिलती है, और ये सिंधु नदी के पार्श्ववर्ती पूर्ववर्ती कई इलाकों में जो साइट के मिलने शुरुआत होते हैं हड़प्पा सभ्यता के, इसलिए इसका नामकरण किया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो ये क्लियर होगा ये सिंधु घाटी की सभ्यता है क्या। मैं थोड़ा सा और इसे ले जाता हूँ, क्योंकि आपको टाउन प्लानिंग पढ़नी है। टाउन प्लानिंग पढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम ये जाने कि सिंधु सभ्यता है क्या, सिंधु सभ्यता की टाउन प्लानिंग कैसे थी, और सिंधु सभ्यता की कंटेम्पररी में और जो सिविलाइजेशन विश्व में थे वो कौन कौन सी सभ्यताएं थी, कितने प्रकार के नगर थे यहाँ पर। टाउन प्लानिंग या किस सिंधु सभ्यता के बारे में जानने के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हम कैसे जाने कि ये सभ्यता कब बनती या कब शुरुआत होती है ये सभ्यता की। तो इसके लिए कुछ विधियों का सहारा लिया गया, ठीक है, जिसमें कई विधियां थे। आप ये चीज जान लो कि जब पूरे के पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन के जब उत्खनन होते हैं, कई साइट्स के उत्खनन होते हैं, ठीक है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो उत्खनन में जो नगर रूप में मिलते हैं यानी कि उसकी सामग्री के आधार पर, बनावट के आधार पर या अन्य चीजों के आधार पर जो उभरते हैं साइट्स, उसमें साइट्स कुछ साइट्स बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अगर आप सिंधु में देखें तो सिंधु में सात सभ्यताएं, सात साइट्स जो थे, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चानहुदर, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा और वानावली, ये दो दो चार दो छह एक सात, ये सात ऐसे साइट रहे हैं जो साइट नगर रूप में दिखते हैं, ये नगर रूप में मान्य है, और आज ये प्रमाणित तथ्य है कि ये सात साइट जो है वो नगर रूप में मान्य है यहाँ पर, ठीक है। एक चीज मैं आपको बताऊं थोड़े से जानने से पहले, टाउन प्लानिंग समझने से पहले, ये नगर रूप में आपने देखा कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चानहुदर, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा और वानावली, ठीक है। कमर्शियल कैपिटल, आज भी कमर्शियल कैपिटल होते हैं, तो कमर्शियल कैपिटल में लोग देखते हैं तो वो होता है एक लोथल साइट है जो गुजरात का साइट है, ठीक है। तो ये लोथल साइट है, जब आप पूरी तरह जानेंगे इसके बारे में तो ये पता चलेगा आपको कि कमर्शियल कैपिटल लोथल था इसका। ट्विल्स कैपिटल यानी कि जुड़वा सब कैपिटल, जुड़वा कैपिटल पिगट नामक एक महोदय थे, जो पिगट नामक आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये साबित किया कि मोहनजोदड़ो और चानहुदर एक ऐसा साइट है सिंधु सभ्यता का जो जुड़वा कैपिटल है यानी कि ट्विल्स कैपिटल है। एक और आप महत्वपूर्ण चीज जाना है कि सिंधु सभ्यता के सबसे लार्जेस्ट साइट जो है वो है मोहनजोदड़ो, ठीक है। पूरी की पूरी मैं सभ्यता की बात कर रहा हूं कि सिंधु सभ्यता जिसमें आज का हिंदुस्तान, पाकिस्तान और सभी साइट शामिल है, तो लार्जेस्ट साइट जो है वो है मोहनजोदड़ो, और इंडिया के अंदर जो सिंधु सभ्यता की सबसे लार्जेस्ट साइट है वो है राखीगढ़ी, और पूरा रूल है कुंटासी, यानी कि कुंटासी की पूरी तौर पर जब उत्खनन होती है तो ऐसा लगता है कि राखीगढ़ी से बड़ी साइट जो होगी वो कुंटासी होगी। तो अमूमन ये नगरों की जो है मैंने थोड़ी सी आपको जानकारी दी कि ये नगर क्या चीज है। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कैसे साबित करोगे कि सिंधु सभ्यता कब की है, कब तक चली सभ्यता, इसका क्या आधार रहा है। इसका आधार का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है कि जो भी सामग्री हमें मिलती है उसमें से, उसमें कई तरह से उसके परीक्षण किए जाते हैं। जो एक बहुत महत्वपूर्ण परीक्षण है C14 डेटिंग, कार्बन-14 पद्धति है, वृक्ष वलय की तकनीक है, और भी कई तकनीक है जो अगले क्लास में अगर आप होगी उसमें डिस्कस करूंगा आपको मैं।
तो मैं आपको बताना चाहूंगा एक सबसे महत्वपूर्ण चीज, आप ये चीज जान लो कि सिंधु सभ्यता एक महत्वपूर्ण चीज उठती है कि सिंधु सभ्यता में जैसे आपको बताया कि इंडस वैली यानी सिंधु नदी के परिक्षेत्रों में ही ये सभ्यताओं का मैक्सिमम साइट होते हैं, यानी कि भारतीय महाद्वीप में जो सभ्यताएं उभरती है जिसे इंडस सिविलाइजेशन बोलते हैं वो सिंधु नदी घाटी के क्षेत्र में उभरती है। ऐसे ही अगर आप